हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो, यहाँ तक कि आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हो। जिस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे टाइपिंग करोगे, ऑटोमेटिक वो हिंदी में लिखता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, और आपको हिंदी में टाइपिंग करना है अपने लैपटॉप में। जैसे कि मैं यहाँ से एमएस वर्ड वर्ड फाइल हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप जिस तरीके से ऐसे टाइपिंग करते जाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे कहाँ हो तुम, ऐसे है ना, तो यहाँ पे आप जब टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी में कर देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखा है जिसका नेम है rajbhasha.net। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस लैंग्वेज में भी डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पे हिंदी में करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो, बट ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हो अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पे आपको सारे लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ ये लैंग्वेज लिखे हुए हैं, इस पर क्लिक नहीं होगा, हमें नीचे आना पड़ेगा इसके लिए। एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बंगाली, गुजराती, कर्नाटक, मराठी, मलयालम, नेपाली, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी डाउनलोड करना है तो सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका ओएस कौन सा है, आपके पीसी में विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, कौन सा है और कितने वीट का है, यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें हिंदी करना है, हिंदी के लिए हमारा सबसे ऊपर ही यहाँ पे मिल गया है, तो मेरा विंडो 10 है एंड हमें इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप बताए गए हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे हमें आ जाना है एक्सपी 7 10, हमारा 10 है, हमें 10 पे क्लिक कर देना है। ये हिंदी है, गूगल हिंदी इनपुट, इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा एक न्यू पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो जा रहा है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में करना है, जैसे कि मान लो आपको मराठी में करना है, तो मराठी पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। अभी ये हमारा डाउनलोड हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और इस पे आई एम नॉट रोबोट करके सबमिट कर देना है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, हम हिंदी का भी देख लेते हैं। और डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे भी ये डाउनलोड होगा वो इसे डबल क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करना, अभी ये ऑटोमेटिक हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको यस करना है। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, होने के बाद फिनिश हो जाएगा यहाँ से, एंड हम कट कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश और आ गया है और हिंदी का भी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको इंग्लिश का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। अभी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी, एंड सेम चीज हम लिखेंगे KAHA, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कहाँ, PHO, हमने लिखा PHO, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है और आपको एंटर करना है HOTUM, एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको जो इसमें पसंद है, आपका कौन सा वर्ड आप चूज करना चाहते हो, यहाँ पे तुम कहाँ हो तुम, जैसे कि आपने लिखा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हो। एंड आपको फिर से इंग्लिश में करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, आपका इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप करोगे इंग्लिश में टाइपिंग होगा। एंड अगर आप चाहते हो जो आपने डाउनलोड किया है हिंदी, आप इसे रिमूव करना चाहते हो अपने लैपटॉप से, तो आपको उसका स्टेप भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है CNO एंड यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में ऐसे सेलेक्ट रहता है, ऐसे पूरा ऑप्शन होता है, तो आपको यहाँ पे जाना है, कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आपको आना है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इस पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी, गूगल इनपुट हिंदी, इस पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ यस करोगे आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। मुझे नहीं करना अभी अनइंस्टॉल, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से यस करोगे आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।